नेवादा गौराकला स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल नेवादा गौराकला में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन रविनंदन तिवारी तथा निदेशिका तृप्ति तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात मशाल जलाकर प्रधानाचार्य डॉ रमेश चंद्र सिंह ने विद्यालय के संस्थापक डॉ कैलाश चंद्र शर्मा तथा डॉ गायत्री अवस्थी को नमन करते हुए खेल को हरी झंडी दिखाई। विद्यालय प्रबंधन का मानना है कि खेलकूद का जीवन में उतना ही महत्व है जितना शिक्षा का, जिससे बच्चों में न केवल शारीरिक अपितु बौद्धिक विकास हो सके। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के इंडोर तथा आउटडोर खेलों जैसे चेस, कैरम, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल तथा क्रिकेट जैसे अन्य खेलों का आयोजन किया गया है। खेल विभिन्न स्तरों पर आयोजित किए गए जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान उप प्रधानाचार्य अम्बुज सिंह, स्कूल प्रशासिका दीपमाला सेठ, समन्वयक ममता त्रिपाठी, खेलकूद प्रशिक्षक महेश कुमार दीक्षित एवं आदर्श कुमार पांडे तथा समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। ऐसे जाओगे ऐसे ट्रैक्टर नहीं, ठीक है ठीक है, आप भी कर सकते हैं। अरे हाथ अब किस तरह का कार्यक्रम शुरू हुआ खेलकूद? हमारे सेंट केसी में मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के दोनों ब्रांचेस में 3 दिवसीय खेलकूद का शुभारंभ हुआ है। इसमें म्यूजिकल चेयर, स्लो साइकिलिंग रेस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट सहित में बच्चों ने भाग लिया। और क्या उद्देश्य होता है इस तरह का कार्यक्रम? पढ़ाई के साथ साथ कितना जरूरी है खेल? बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है, इसीलिए यह प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया जाता है। आज किस तरह का ये स्पोर्ट्स डे चल रहा है? ये स्कूल इज अफिलिएटेड टू CBSE अप टू 10+2 लेवल। किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस ईयर 8th एनुअल स्पोर्ट्स डे इन द स्कूल एंड डिफरेंट इवेंट्स। दिस इज द फर्स्ट राउंड गेम ऑफ प्राइमरी नर्सरी टू क्लास 5th स्टूडेंट्स। दे आर पार्टिसिपेट इन डिफरेंट गेम्स लाइक म्यूजिकल चेयर, 50-meter रेस एंड इंटर हाउस गेम्स, देन कैरम एंड लूडो दे आर प्लेइंग एंड टॉफी रेस, खो खो एंड कबड्डी। कितने दिन का है कार्यक्रम? वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस इवेंट इन 3 days। क्या संदेश दे रहे इस कार्यक्रम के माध्यम से? एनर्जी, स्पोर्ट्स ब्रिंग्स स्टूडेंट्स यूनाइटेड। खेल
जैसे मैं कहता हूँ खेल जीतने के लिए नहीं, एक भाव से खेलना चाहिए। पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग एंड लूजिंग। खेलना जरूरी है, पार्टिसिपेट करना जरूरी है, और आपस में कोई भेदभाव न हो, खेल की भावना से खेलें और आपस में प्रेम व्यवहार की भावना को बढ़ाएं। ये मैसेज है बच्चों को, और खेलने के लिए आगे बढ़ने की एनर्जी बच्चों को मिलती है और इंकरेजमेंट भी मिलता है, और टीचर्स आर इंकरेजिंग देम टू टेक मोर एंड मोर टू पार्टिसिपेट इन मोर एंड मोर इवेंट्स टू कम्पीट इन द रनिंग सोसाइटी। व्हाट इज द डिमांड ऑफ टाइम एंड प्लेस।